वेलकम टू ब्रजधाम फार्म्स भाइयों, स्वागत है आपका ब्रजधाम फार्म्स में। हमारे ब्रजधाम फार्म्स पे विजिट करने आए हैं एक फैमिली। हम उनसे जानेंगे कि उनको कैसा लग रहा है ब्रजधाम फार्म्स और किस तरह आए हैं। तो मिलते हैं एक फैमिली से। आइए सर, मैं जानना चाहूँगा आप ब्रजधाम फार्म्स आए हो, पहली बार आए हो और इससे पहले भी आ चुके हो, या फिर कैसे आपको पता लगा ब्रजधाम फार्म्स के बारे में और आपको कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, हम लोग बांके बिहारी अक्सर आते जाते रहते हैं। बांके बिहारी के रास्ते में हम लोग जब इस फार्म हाउस को देखा जी, तो हमें और इच्छा हुई और अंदर आके देखा तो बहुत पसंद आया। और आज हम सब परिवार चार दोस्त यहाँ पे आए हुए हैं। ये रास्ते पड़ता है, हम दिल्ली से आते हैं तो जेवर के बाद टप्पल कट पड़ता है, टप्पल कट के बाद एक नौजील बाजरा नाम से कट पड़ता है, जो बाजना नौजील कट से महज 2.5 से 3 किलोमीटर दूरी पे ये ब्रजधाम फार्म्स है और बहुत नियर बाय है। मथुरा वृंदावन अगर कोई विजिट करता है तो उसके लिए काफ़ी कंफर्टेबल है, यहाँ रुक सकते हैं और बच्चे अपने एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग, ट्रैक्टर राइडिंग, काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं उसके साथ में, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो बताएंगे और कैसा महसूस हो रहा है ब्रजधाम फार्म्स को? सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे अच्छा है, सबसे पहले यहाँ का बाथरूम जो है लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए बहुत ही साफ़ लगा, जिसके कारण हम लोग का मन बना। पहले भी हम लोग यूज कर चुके थे तो इस बार जब आए तो बच्चों को देखे कि खेलने के भी काफ़ी चीज़ें हैं, आर्चरी है, झूले हैं, ट्रेपोलिन है, सारा चीज़ है यहाँ पे बनाए हुए। तो बच्चों के लिए तो काफ़ी हेल्दी और बहुत ही अच्छी जगह है। सबसे बड़ी बात मैं चाहूँगा, हम दिल्ली NCR में रहते हैं, पॉल्यूशन रहता है वहाँ के नेचर में और यहाँ के नेचर में काफ़ी अच्छा देखने को। मैं अभी सुबह जब दिल्ली से आया था तो वहाँ काफ़ी धूप निकली हुई थी और यहाँ हम देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छा मौसम है, बच्चे इंजॉय कर सकते हैं, शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा और शुद्ध देसी खाना, ये भी चीज़ देखने को मिल जाती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर नोएडा से आप कंपेयर कीजिए तो यहाँ का बहुत ही अच्छा है। और आप आएँ अगर वीकेंड में तो ज़रूर ठहरे, क्योंकि यहाँ पे खाने का भी व्यवस्था है और साफ़ गांव का दूध, अच्छा दूध, छाछ, ये सब आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। साग की सब्जियाँ मिल जाएंगी जो कि आजकल बच्चों को शहर में तो नहीं मिल पाती है, मिलती भी है तो पैकेट वाली मिलती है, यहाँ जबकि अपने घर से उपलब्ध है ये सब चीज़। तो ये सारी चीज़ अच्छी है। गाड़ियों की पार्किंग बेहतरीन है और गर्मी में भी यहाँ पे आया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, एक और अट्रैक्शन है, स्विमिंग पूल है, काफ़ी झूले हैं और खुद पीछे की इन लोगों की खेती है, जिसमें आप मतलब जो दिन प्रतिदिन जो खाते हैं हरी सब्जी वो आपको मिल जाएगी, जो कि काफ़ी ताज़ा और शुद्ध लगी देख करके। तो इसका कारण तो और भी अट्रैक्टिव बनाता है इस जगह को। तो भाइयों, आप विजिट कर सकते हैं ब्रजधाम फार्म्स, आपके लिए काफ़ी नज़दीक है दिल्ली NCR से, महज 1.5 घंटे की दूरी पर है। मथुरा वृंदावन विजिट कर सकते हैं, साथ में नियर बाई मथुरा वृंदावन पड़ता है, यहाँ से देख सकते हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। ब्रजधाम फार्म्स आए हो, आपको कैसा लग रहा है ब्रजधाम के फार्म्स में आके खेल रहे हो, इधर कैसा एंजॉय कर पा रहे हो? मीन्स मुझे इधर ना घर से बहुत अच्छा लग रहा है, मीन्स एकदम खुला खुला लग रहा है, खेत है, मटर उसमें है, इधर स्विमिंग पूल है, ये ट्रैम्पोलिन सब, और कुछ बच्चे भी हैं, इधर खेलने में बहुत मजा आता है। एग्जाम्पल ये झूला है, इसके ऊपर उड़ो तो बहुत अच्छा लग रहा है, इधर आर्चरी सेट है, इधर बैट बॉल, बैडमिंटन, बहुत कुछ है, खास करके वो ट्रैम्पोलिन है, स्विमिंग पूल। मीन्स आई वेरी वेरी मच लाइक दिस फार्म, ओके, एंड आई विल ऑलवेज कम बैक हियर। तो भाइयों, आपको जैसे रिव्यू दिया हमारे भाइयों ने, किस तरह से ब्रजधाम फार्म इनको मिला है, मथुरा वृंदावन जाते थे रास्ते में ब्रजधाम फार्म पड़ता है, उन्होंने देखा, अंदर आके देखा, विजिट किया, आप लोग भी इंजॉय कर सकते हैं। मथुरा वृंदावन आते हैं तो यहाँ ब्रजधाम फार्म आके विजिट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा नेचर है, काफ़ी एक्टिविटीज़ है, बस स्विमिंग पूल है, रेन डांस वगैरह, आप काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं दिल्ली NCR के पॉल्यूशन को छोड़ के एक बार हमारे ब्रजधाम फार्म विजिट के लिए। धन्यवाद।